गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे है बेटा? सभी सभी स्वस्थ होंगे उम्मीद करता हूँ। और आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे हम एक प्रैक्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा, उस स्क्रिप्ट को आपको देखना है और समझना है और साथ में उसको आपको परफॉर्म भी करके देखना है, राइट? तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी स्क्रिप्ट को कैसे, किसी प्रैक्टिकल को कैसे और परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम, तो देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ, राइट? मैं एक दूसरी स्क्रिप्ट को, कोई भी अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ। मैंने बॉल का स्क्रिप्ट लिया, बॉल एंड काउंट का प्रोग्राम है ये बॉल एंड काउंट, मतलब बॉल स्ट्राइक करेगी देन काउंट होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पर बॉल के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास वो ऐड हो जाएगा हमारे स्टेज के अंदर। और जैसे ही वो स्टेज के अंदर ऐड हो जाएगा तो पुराना वाला जो स्प्राइट है हम उसको डिलीट कर देंगे, हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे, राइट? ये हो गया है, हमारा स्प्राइट ऐड हो गया है और ये जो कैट का स्प्राइट है हम यहाँ से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, राइट? एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक बैकग्राउंड और सेट कर लेते हैं, ड्रॉप बैक। मैं यहाँ से एक ड्रॉप बैक ले रहा हूँ, पहले ड्रॉप बैक नहीं लेते, ड्रॉप बैक बाद में लगाएंगे, ड्रॉप बैक बाद में लगाएंगे, पहले ही देख लेते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इस बॉल को जो हमने बॉल अभी अभी लिया है इसको मूव करना है, राइट? इसको मूव करना है और मूव कैसे करना है, विद बाउंस, कि जैसे ही ये बॉर्डर के ऊपर टकराए या स्ट्राइक करे और फिर वापस से बाउंस हो जाए, राइट? तो देखेंगे क्या करना है हमें, मूव करना है, मूव के बाद क्या करना है, बाउंस करना है। और बाउंस, अब बाउंस क्या होते रहे, लगातार, कंटिन्यूअसली, मेनी टाइम्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल ब्लॉक के अंदर रिपीट कर दोगे तो आप उसके अंदर नंबर ऑफ स्टेप को फिक्स कर सकते हो कि वो कितनी बार बाउंस करना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली बाउंस करे जब तक हम चाहें, तो ये फॉरएवर का यूज कर दिया। और अब देखेंगे, अब मैं यहाँ पर एक और फ्लैग और लगा देता हूँ ताकि मैं फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँ तो वो मेरा मूव करे, ओके? अब देखते हैं क्या आउटपुट आई। देखो अभी हमारी आउटपुट आई है, ये अभी हमारी आउटपुट आई है ये कि बॉर्डर के ऊपर, स्टेज के बॉर्डर के ऊपर वो बाउंस कर रहा है और बाउंस करने के बाद वापस से टर्न हो रहा है, वापस से रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है, टर्न नहीं करना है अभी, ट्रेन नहीं कर रहा है, केवल बाउंस कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, जो उसके बॉर्डर है स्टेज का उसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ रहा है, राइट? अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो अभी ये एक पर्टिकुलर एंगल पे है, राइट, पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल पे है, हम इसको डिफरेंट एंगल पे मूव करना चाहते हैं, देखेंगे कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, पॉइंट टू डायरेक्शन, क्या करेंगे, पॉइंट टू डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को पॉइंट करे, लेकिन अभी 90 नहीं, हमें 45 करना है, 45 डिग्री पर। अभी देखेंगे, मैंने इतना कोड लिखा है और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस को पॉइंट टू डायरेक्शन करने से वो एंगल चेंज हो गया आपका, और एंगल चेंज होने के 45 डिग्री, जैसे ही टकराएगा 45 डिग्री के ऊपर अपने आप वो रोटेट हो जाएगा या मूव हो जाएगा, राइट? आई थिंक आपको, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और चीज हम लेंगे यहां पर, पैडल। पैडल का मीन्स क्या होगा, हम एक क्या करना चाहते हैं कि अभी तो देखो ये बॉर्डर के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम एक एक कोई भी एक लाइन लगा लो या कोई भी आपकी एक कोई भी आपकी पैडल लगा लो या कोई भी स्टिक लगा लो, जैसे उसके ऊपर वो स्ट्राइक करे और ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक पैडल लगाएंगे। तो यहाँ पर एक और स्प्राइट ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, और स्प्राइट में ऐड करता हूँ यहाँ पर पैडल, थिंग्स में मैंने ऐड किया यहाँ पर पैडल, ठीक है?
अभी देखेंगे, अभी कुछ नहीं होगा। यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ये इसके ऊपर पैडल के ऊपर स्ट्राइक करे ऑटोमेटिकली मूव कर जाए, लेकिन अभी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इसके लिए हमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये माउस, हम माउस के कर्सर को मूव करें और ये पैडल भी मूव। अब देखो मैं ये माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ लेकिन पैडल तो मूव नहीं कर रहा ना, तो अब देखना आगे, देखना क्या करेगा आगे। इसके लिए कोडिंग करते हैं, इसके लिए स्क्रिप्ट राइट करते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, गो टू, गो टू क्या करना है हमें, गो टू माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर का मतलब ये जो पैडल है, माउस पॉइंटर जिधर भी माउस पॉइंटर जाए उस तरफ मूव करे। अभी तो नहीं कर रहा ना, देखो अभी करेगा, अभी ध्यान देना है इसको। फिर कंट्रोल मैंने फॉरएवर लगाया, फॉरएवर का मतलब कंटिन्यूअसली स्टेप चलता रहेगा जब तक हम इसको यहां से स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, देखो मैं केवल इस स्क्रिप्ट को रन करता हूँ। देखो अब देखो, जिधर मैं माउस लेके जा रहा हूँ माउस का पॉइंटर उस तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, राइट। तो अभी हमारा ये इतना कोड फिनिश हो चुका है, हमारे दो चीज वर्क कर रहे हैं कि हमारा ये बॉल भी मूव कर रही है और हमारा पैडल भी मूव कर रहा है, राइट। दो कोडिंग हो कंप्लीट हो चुकी है, दोनों स्क्रिप्ट। अब हम क्या चाहते हैं, जैसे ही ये बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करे हमारे पास एक एक स्कोर काउंट हो जाए, स्कोर काउंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या करना है हमें स्कोर काउंट के लिए, हमें क्या करना होगा, देखो हमें, हम क्या चाहते हैं कि बॉल पैडल के ऊपर स्ट्राइक करे। तो कोडिंग किसके ऊपर करनी पड़ेगी, बॉल पैडल के ऊपर। तो बॉल के ऊपर हमें कोडिंग करनी पड़ेगी ना, अगेन स्क्रिप्ट किस पे करनी पड़ेगी, बॉर्डर के ऊपर, सॉरी बॉल के ऊपर। तो देखेंगे कैसे करेंगे, यहां पर हम, यहां पर क्या करते हैं, हम लेते हैं यहां पर फॉर एवर, हम पहले वैन ब्लॉक ले लेते हैं। वैन ब्लॉक लगाया, ठीक है, अलग से कोडिंग करनी है। वैन ब्लॉक लगाया और फिर हम क्या करते हैं, यहां पे फॉर एवर लेते हैं। अब फॉर एवर के अंदर देखो हमें क्या क्या चीजें लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही ये इसके ऊपर टच करे, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे मूव कर जाए, जैसे ही टच करे मूव कर जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन क्या करना पड़ेगा, इफ इफ स्ट्राइक ऑन दिस देन मूव, या इफ टच ऑन पैडल देन मूव टूवर्ड्स इन एनी डायरेक्शन। तो हमने इफ 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 का मतलब क्या हो गया बेटा, कंडीशन। यहां पर क्या लगा है, कंडीशन, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन चाहते हैं, कि जैसे ही ये पैडल के ऊपर स्ट्राइक करे, जैसे ही पैडल को टच करे तो ये बॉल ऑटोमेटिकली मूव कर जाए। अभी तो नहीं हो रहा ना, देखो ऐसा अभी तो नहीं हो रहा। देखो अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, देखो इसके पास लेके जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। लेकिन अब जैसे मैं कोडिंग कंप्लीट करूँ, जैसे ये टच करेगा मूव कर जाएगा। अभी तो ये क्या कर रहा है, जैसे बॉडी के बॉर्डर के ऊपर टच होते ही बाउंस हो रहा है, लेकिन अब पैडल के ऊपर टच होते ही वो बाउंस करेगा, राइट। उसके लिए देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, देखेंगे कुछ भी नहीं करना, कंडीशन लगा दिए इफ। अब हम क्या करेंगे, यहां पर सनसेनिंग ब्लॉक, सेंसन सेंस, सेंस नहीं होता जैसे हमारे फाइव सेंस होते हैं, ऐसे ये सेंस करेगा, पहचानेगा, क्या करेगा, टचिंग। यहां पर मैंने लिख दिया दिस, टचिंग किसको टच करे, माउस पॉइंटर को टच करे, एज को टच करे, एज को तो टच कर ही रहा है, पैडल को टच करे, पैडल को टच करे। तो पैडल के लिए हमने कोड कर दिया है, ठीक है। अब पैडल को टच करते ही क्या हो जाए, क्या क्या चेंज आए उसके अंदर, हम चाहते हैं कि क्या चेंज आए हमारे पास उसके अंदर, चेंज आए ये टर्न हो जाए, बॉल जैसे ही टच करे बॉल टर्न हो जाए, क्या हो जाए, टर्न। और कितना डिग्री टर्न हो जाए, 180 डिग्री टर्न हो जाए, ठीक है। और उस 180 डिग्री टर्न होते ही उसके अंदर वेट कितना डाल दिया, उसके अंदर वेट डाल दिया 1 सेकेंड, ठीक है। अब इतना करके देखते हैं कि इतने प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, फ्लैग के ऊपर क्लिक किया, अब देखो क्या, देखो अब इसके ऊपर टच कर रहे हैं तो ये देखो बाउंस हो रहा है ना, ये देखो बाउंस हो रहा है, यस। अब क्या चाहते हैं कि हम इसकी स्पीड को मूव करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि हम आगे देखेंगे कि हम इसकी स्पीड को कैसे मूव कर सकते हैं, किसकी, बॉल की स्पीड को, ठीक है। अब देख क्या करना है मुझे, बॉल की स्पीड को थोड़ा फास्ट करना है, बॉल की स्पीड को थोड़ा फास्ट करना है। तो मैं नंबर ऑफ स्टेप यहां पर इंक्रीज कर देता हूं, मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ
स्पीड 30 कर दिया, अब देखता हूँ क्या होता है। देखेंगे आप स्पीड, आपकी बॉल की स्पीड क्या होगी। अब मुझे इसके ऊपर टच करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस तरह से आपको ये प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। अब देखेंगे इसके अंदर आगे क्या होता है, समझ के करना है, बहुत ईजी है, बेहद ज्यादा ईजी है। अब देखेंगे आगे क्या होगा, आगे हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही टच करे तो स्कोर बढ़े, जैसे ही टच करे तो स्कोर हमारा इंक्रीज हो, राइट। मैं यहाँ पर थोड़ा स्टेप कम कर देता हूँ, यहाँ पर स्टेप कर देता हूँ 15, ठीक है। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि जैसे टच करे तो स्कोर बढ़े, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस प्रोग्राम में क्या था ना, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एड वेरिएबल। हमने क्या बना दिया, स्कोर, स्कोर एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम स्कोर को सेट करेंगे 0, सेट कितना कर दिया 0। अब स्कोर कब इंक्रीज होना चाहिए, जैसे ही वो पैडल पे टच हो, ऐसा ही होना चाहिए ना, जैसे ही वो पैडल पे टच हो तो स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। चलो देखते हैं, अब देखो टच के बाद यदि वो टच करे, यदि वो टच करे, पहले तो सेट 0 कर दिया, 0 लिखा रहा है बॉक्स में, आप देख सकते हैं कि यहां पर 0 लिखा रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, यदि टच करे, इफ टच द पैडल देन चेंज स्कोर 1, जैसे ही टच करे तो स्कोर का वैल्यू कितना हो जाए 1। चलो इसको करके देखते हैं, चलो इसको करके देखते हैं, वेरी गुड, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारा प्रोग्राम है, क्या हम इसके ऊपर बॉल के ऊपर, यस, पैडल के ऊपर देखेंगे, यस यस, ये जैसे ही पैडल के ऊपर कर रहा है हमारा क्या हो रहा है, स्कोर इंक्रीज हो रहा है। आपने देखा ध्यान से, हमारा क्या हो रहा है, स्कोर इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें, हमारे पास क्या है कि मैं एक बॉर्डर लगाना चाहता हूं, मैं बॉर्डर लगा सकता हूं, यहां पे ड्रॉप बैक, मैंने यहां पे ड्रॉप बैक लगाया स्पेस, और मैंने यहां से ये ड्रॉप बैक का यूज ले लिया। आप ड्रॉप बैक जो चाहे वो लगा सकते हो, जो चाहे वो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ये बॉल पैडल के ऊपर टच करे इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे ही बॉडल के ऊपर टच करे कलर चेंज, अभी तो नहीं हो रहा ना ऐसा, अभी तो नहीं हो रहा, अभी देखो अभी कुछ नहीं हो रहा है, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। अब देखो हम क्या चाहते हैं कि यहां पर जैसे ही ये बॉर्डर के ऊपर क्लिक करे, सॉरी पैडल के ऊपर टच करे, इसका कलर चेंज हो जाए, राइट। अब देखो क्या करते हैं, हम क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे तो स्कोर बढ़ रहा है, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे तो वो रोटेट हो रहा है, जैसे ही पैडल के ऊपर टच करे तो उसका क्या होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कलर चेंज। तो हम क्या करेंगे, चेंज कलर कर दिया। चल यदि आप क्या चाहते हो कि इसके अंदर साउंड इफेक्ट भी डालना चाहते हो, साउंड की साउंड भी आए, तो यहां पर क्लिक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्ले साउंड, आप यहां क्या कर सकते हो, प्ले साउंड का भी यूज ले सकते हो। ये तीन चार चीजें हमने ऐड कर दी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है, क्या हमारा बॉर्डर के ऊपर, इसके ऊपर पैडल के ऊपर टच, यस यस बिल्कुल करेक्ट। तो आप देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट, और आपको इसको परफॉर्म करके देखना है, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है। मैं एक बार और इसको रन करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, यस, जैसे ही, यस, कलर भी चेंज हो रहा है, पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, साउंड भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, राइट। तो ये प्रोग्राम था हमारा, बहुत ही इजी, केवल प्रोग्राम इसलिए करवाया बेटा ताकि आपको ये कोड थोड़ा सा समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए, कोडिंग थोड़ी सी आपको समझ में आए कि कोड कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे ही आपने एक वेबसाइट का नाम सुना होगा वाइट एट जूनियर, वाइट एट जूनियर में आपको बताया गया है कि कैसे आप कोडिंग कर सकते हैं, तो इसी तरह वो कोडिंग करके बताते हैं या सिखाते हैं। तो हमें हर चीज का पॉइंट पता होना चाहिए, क्यों हो रहा है,
हमें ये पता चला कि टच करने पर स्कोर बढ़ रहा है, हमें ये पता चला कि टच करने पर कलर चेंज हो रहा है, हमें ये पता चला कि टच करने पर साउंड आ रही, हमें ये भी पता चला कि टच करने पर वो मूव कर रहा है 180 डिग्री पर। और वेट का मतलब जैसे ही वो टच करेगा 1 सेकेंड का वेट लेगा। बाउंस का मीनिंग हमें समझ में आ गया कि वो जैसे ही किसी भी एरिया के ऊपर टच करेगा बाउंस हो जाएगा। कितने स्टेप, यदि स्टेप इंक्रीज करने हैं 20 डिग्री 30, इसकी बॉल की स्पीड इंक्रीज करिए, आप इंक्रीज कर सकते हो। पॉइंट का मतलब पॉइंट किस डायरेक्शन पे, पॉइंट कितने एंगल पे पॉइंट होना चाहिए, 90 डिग्री 40 डिग्री, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और पैडल के लिए सिर्फ ये अकॉर्डिंग है कि आपका ये पैडल क्या करे, मूव करे, आपका पैडल क्या करे, मूव करे, राइट। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। यदि बेटा नहीं समझ में आता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, पर्सनल मोबाइल के ऊपर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करोगे, मैं अगेन रिपीट करूंगा, राइट राइट। ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में क्लास में नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि उसमें स्पीड चाहिए होती है और लैपटॉप में थोड़ा इश्यू आने लग जाता है, इसी वजह से वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाता है। तो इसी वजह से मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें और इसको करके देखें, राइट। आने वाली वीडियो के अंदर लेसन नंबर 3 को और आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रोग्राम और सीखेंगे, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू सो मच।